Hi guys, good morning. Today lecture 4, we are going to discuss the topic complex number. आज हम लोग बात करेंगे complex number का. Complex number का importance ये है कि हर साल advance में one or two questions आते ही आते हैं complex plane का. Complex number में तीन part है. एक part आप जानते हैं iota omega based question. दूसरा इसका part है trigonometrical based question, जिसे बोलते हैं Divorce theorem. थर्ड पार्ट होता है अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसे बोलते हैं आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन. हम लोग बात कर रहे हैं गॉसियन प्लेन की, हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की, जो इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं. इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री आता है. तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें दूँ, थोड़ा जहाँ बच्चों को परेशानी आती है बेसिक चीज छोड़ दूँ मैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूँ. तो मैं इसका रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ, देखेंगे स्पेशल रिमार्क्स में ऐसे लिखूंगा, इफ Z1 Z2 ये लिखा रहेगा. मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2. इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि यहां पे Z1 है, यहां पे Z2 है, पॉइंट हमारे पास है, तो यहां से यहां लाओ, A टू B ले आओ, B टू C ले आओ, ये ले आओ, यहां C आ गया. तो देखो तो दोनों का सम, यहाँ दोनों का करेक्ट एक साथ सम हो गया. इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर. इट मींस दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z2. इट मींस क्या हुआ? इट मींस हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 दिस इक्वल्स टू 0, राइट? ये कंडीशन बना. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका. नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इफ मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 होल स्क्वायर. अब इसकी बात करोगे Z1 स्क्वायर एंड Z2 स्क्वायर, ये क्या हो गया? अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये एक साइड दिख रहा है ऐसे, दूसरा साइड ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, ये Z1, ये Z2, ये Z1 प्लस Z2. क्या हो गया ये? यहाँ साफ दिख रहा है 90 राइट एंगल ट्रायंगल, जो Z1 बाय Z2 क्या हो गया? ये हो गया आपके पास पाई बाय 2, सही है? नेक्स्ट आई, ये सब काम प्ले क्वेश्चन में. नेक्स्ट पॉइंट लिखूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. अब रहेगा अपने पास जेड प्लस जेड बार, क्या हो गया? ये लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स, सही है ना? तो ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड, और रियल ऑफ जेड बार भी लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड बार. इसी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स को लिखते हैं आर कॉस थीटा. एक्स अपने पास होता है आर कॉस थीटा, तो ट्वाइस ऑफ दिस कॉस थीटा, ये काम बना. अब इसका फायदा क्या मिलेगा? अगर रहेगा Z1 बार Z2, ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ये हो गया ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 कॉस दोनों के बीच का एंगल θ1 माइनस θ2, ये हो गया. इसकी बात करेंगे अब Z1 माइनस Z2 की, Z1 Z2 की बात करेंगे. अगर ये रहेगा तो क्या हो गया? देखो तो क्या हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल, ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई वाई, ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड दिस वन. इमेजिनरी ऑफ जेड मीन्स क्या हो गया? वाई हो गया दिस वन. तो सिंपली इस कंडीशन में लिख सकते इससे काम बना. अब इससे एक बात और लिखोगे, अगर हमें अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए रियल ऑफ जेड की बात करेंगे. रियल ऑफ जेड की बात करोगे तो ये क्या हो गया? जेड प्लस जेड बार बाय 2. और इमेजिनरी ऑफ जेड की बात करोगे तो ये क्या हो गया? जेड माइनस जेड बार बाय ट्वाइस ऑफ आई, सही है? ये कंडीशन बना अपने पास. नेक्स्ट लिखते हैं इसका. अब मैं लिखता हूं जहां परेशानी होती है अपन उसकी बात करें. तो परेशानी होती है कहाँ? एक लाइन लिखा हमने, यहाँ लिखा अपने पास Z1,
ए जेड वन, ये लिखा बी जेड टू, तो क्या करना अपने को, एक क्वेश्चन अपने पास है आईआईटी 97 में क्वेश्चन आया था, उसका क्वेश्चन से पार्ट है ये निकाल रहा हूं मैं, उसको थ्योरी बना रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, कुछ नहीं करना, इसी पॉइंट पे या तो यहाँ पे या कहीं भी एक पॉइंट रखेंगे पी ऑफ जेड, तो आपका जो इक्वेशन आता है उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या करने का है। ऐसे तो आप प्रूफ करते हो, तो मैं इसको प्रूफ भी लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ जेड जेड बार, जेड वन बार, जेड टू बार, राइट वन वन वन, दिस वन जीरो। फाइनली जो बन के आएगा वो अपने पास आएगा ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का इक्वेशन हुआ जहां आपको चाहिए स्लोप, स्लोप मीन्स होता है टैन थीटा जिसको एम बोलते हो, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, जेड बार का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास आ गया स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप अपने पास हो गया माइनस में ए, राइट ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, नेक्स्ट यहां फिर से बात करेंगे क्या यहां रहेगा। अब मैं लिखता हूं यहां से बाइसेक्टर के क्वेश्चन, यहां लिखा हमने ए, ए ऑफ जेड वन, बी ऑफ जेड टू, दिस वन, अब यहां से डाला हमने परपेंडिकुलर, ये डाला पी, पी ऑफ जेड। अब कोई बोले आपसे, कोई आपसे बोले कि जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, ये रहेगा, इसको स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करोगे, इसे लिखते हो सिंपल वे में मोड ऑफ जेड की बात करते हैं तो क्या होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो मोड ऑफ जेड क्या हो गया, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब सिंपल से बात करेंगे, जब इसको स्क्वायर करके ब्रेक करोगे सो फाइनली दिस विल टर्न अप ए लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे, जब आपका दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये हो गया आपका लाइन बाइसेक्टर, इसका नाम हो गया लाइन बाइसेक्टर, ये लाइन हो गया लाइन बाइसेक्टर, ये इक्वेशन हो गया लाइन बाइसेक्टर का, ये हो गया अपने पास एल बी लाइन बाइसेक्टर, सही है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अब हो गया अपने पास लाइन बाइसेक्टर की बात कहा हमने, अब मैं यहां सिंपल सी बात करता हूं लाइन बाइसेक्टर के बाद। अब कोई ऐसे लाइन लिखा हमने दिस वन, ये पॉइंट उठाया, ये लिया पॉइंट, ये लिया पॉइंट, यहां लिख दिया पी ऑफ जेड वन, ये लिखा क्यू ऑफ जेड टू, दिस वन, ये हो गया वन, ये हो गया थीटा वन, ये हो गया थीटा टू, और ये बीच वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू हो गया थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थीटा वन, तो थीटा वन क्या हो गया आर्गुमेंट जेड वन, थीटा टू क्या हो गया, थीटा टू हो गया अपने पास आर्गुमेंट जेड टू। अब उससे पहले अपनी बात कर रहे हैं मुझे पी क्यू की, तो देखो तो पी क्यू क्या हो गया, वेक्टर पी क्यू की बात करोगे तो क्यू माइनस पी, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, और जल्दी हो क्या गया पी क्यू की बात करोगे तो मोड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, ये कंडीशन आया पी क्यू का। अब इसको आगे बढ़ा दो भाई, इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया आगे, अब ये एंगल हो गया अल्फा, तो यहां से क्या हो गया अल्फा, क्या हो गया अल्फा, हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, सो दिस इज द, ये हो गया अल्फा, इसकी वैल्यू की बात करें। अब जब देखो यहां से मुझे एंगल थीटा चाहिए, तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा अपने पास हो क्या गया, थीटा अपने पास हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन, तो थीटा अपने पास क्या हो गया, थीटा अपने पास हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, तो थीटा अपने पास हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बाई जेड वन, ये आंसर। अब आपको कुछ नहीं करने का, आपको एक नया तरीका बताते हैं, ऐसे मत करना, अब इसको ऐसे हाथ घुमाना, ऐसे देखो हाथ ऐसे उठाए ऐसे ले आए, सही है, इसके बीच का एंगल चाहिए, इसके बीच का यहां तक, तो ये हो गया आपका टेल, ये हो गया हेड, यहां से उठाया आप यहां से ऐसे लाए, तो इसके इस एंगल की बात करोगे, इस एंगल की बात करोगे थीटा, तो ये अपने पास आ गया दिस, यहां जीरो जीरो है, तो क्या हो गया देखो तो जेड टू माइनस जीरो अपॉन जेड टू माइनस जीरो, सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या करना, अब नेक्स्ट में लिखता हूं आपके पास ऐसे,
नेक्स्ट मैं आपके पास लिखता हूं ऐसे, अब ये लिखा हमने, यहां लिखा ए, यहां लिखा बी, यहां लिखा सी, ये जेड वन, ये जेड टू और ये जेड थ्री। अब लॉजिक सुनना क्या, मुझे ये एंगल चाहिए, जेड वन चाहिए, कुछ नहीं करने का आपको। देखो तो सपोज करो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये थीटा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल चाहिए ए, एंगल ए मिस हो गया थीटा, थीटा क्या हो गया भाई, देखो तो एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ फेसिंग इंटरनल लिखते हो आप, तो ये हो गया अपने पास इतना थीटा टू माइनस थीटा वन, क्यों थीटा वन हमारे पास हो गया, थीटा वन हमारे पास हो गया, सॉरी थीटा हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल थीटा वन बराबर हो गया थीटा टू प्लस थीटा, तो थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा वन माइनस थीटा टू। लॉजिक सुनना, हमने कहा एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ फेसिंग इंटीरियर, तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, सम ऑफ फेसिंग इंटीरियर एंगल हो गया, तो थीटा वन हमारे पास हो गया थीटा प्लस थीटा टू, तो थीटा क्या हो गया, थीटा वन माइनस थीटा टू, तो थीटा हमारे पास क्या हो गया, यहां से ठीक करोगे ये अपने पास हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू, और चलिए यही आपके पास एंगल हो गया, इसी को बोलेंगे आर्गुमेंट, इसको बोलेंगे थीटा, ये हो गया अपने पास आर्गुमेंट में कितना, ये ऐसे लाओगे ये हो गया अपने पास जेड थ्री माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, जब देख लो चेक करो आप, देखो थीटा वन है कि नहीं, इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, इसका आर्गुमेंट हो गया अपने पास, इसका आर्गुमेंट की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास कितना जेड थ्री माइनस जेड वन, ठीक है ना, और इसके आर्गुमेंट की बात करोगे ये हो गया जेड टू माइनस जेड वन, ये आ गया। अब आपसे कोई पूछे भाई कि मुझे तो बी चाहिए, मुझे एंगल चाहिए बी, एंगल बी क्या करोगे, तो इसको फिर से ऐसे करो, इसको फिर से ऐसे करो, ये लाओ आप, एंगल बी में अपने पास हो गया आर्गुमेंट ऑफ, इसकी बात करेंगे तो ये और ये क्या हो गया, ये जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू एंड जेड थ्री माइनस जेड टू, ये हो गया आर्गुमेंट बी। अब कोई आपसे पूछ दे भैया मुझे तो आर्गुमेंट सी चाहिए, मुझे एंगल सी चाहिए भाई, तो क्या करोगे, एंगल सी कहाँ है, ये एंगल सी है, इसको ऐसे लाओगे, ये हाथ हमेशा ध्यान देना, हाथ ऐसे रखने का ये जो तरीका है, हमेशा दो डिफरेंट डायरेक्शन में एंगल चाहिए, तो ये लाया हमने, ये अपने पास हो गया जेड टू माइनस, क्या हो गया ये हो गया अपने पास जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री, ये अपने पास आंसर हो गया। तो ये आपका रोटेशन जिस बच्चे का अच्छा हो गया उससे क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन आसान होगा। तो मैं एक पहला क्वेश्चन के फॉर्म में देखता हूँ अलग से आपका, और क्वेश्चन भी रहेगा वो साथ साथ, ये सर्किल ले लिया, ये हमारा हो गया एंड ऑफ डायमीटर्स जेड वन, ये ले लिया आपका जेड टू, सही है। अब अपन क्या करते हैं, मुझे चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू एज एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर इज, क्या हो गया भाई साहब, कुछ नहीं करने का, यहां पर कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ऐसे लिया, ये पॉइंट ऐसे लिया, मिला दिया इसको, ये हो गया पी ऑफ जेड। अब क्या करने का, ये हो गया 90, आप जानते हो एंगल एट ए क्या एंगल ऑन ए सेमी सर्किल आर ऑलवेज राइट एंगल, सेमी सर्किल पे जो एंगल लेंगे हमेशा राइट एंगल बनता है, ये आपको पता है। अब यहां से कुछ नहीं करने का, अब यहां से एंगल लेना है तो इसको ऐसे बात करोगे, तो ये अपने पास हो गया आर्गुमेंट दिस, क्या हो गया भाई साहब, जेड टू माइनस जेड और जेड वन माइनस जेड, दिस इक्वल्स टू पावर टू। अब इसको ठीक करोगे, जेड माइनस जेड टू, जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड माइनस जेड टू एंड जेड माइनस जेड वन ई का पावर आई पावर टू। अब एक लॉजिक और देखना, मैं अलग से लिखना चाहता हूं, अगर भाई दीदी को पूछे आर्गुमेंट जेड ऐसे रहेगा पास, जेड हमारे पास है, ये हो गया मोड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, सही है ना। कोई आपसे पूछेगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास है, इसकी बात करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, चलो ठीक है, आर्गुमेंट जेड हमारे पास थीटा है, तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया मोड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, ये कंडीशन आ गया, सही है ना। यहाँ क्या हुआ, जेड क्या हो गया,
x plus i y, x हो गया r cos theta, r sin theta, तो बाहर निकाल लिया r, r अपने पास हो गया mod of z. इसको यूज करें क्वेश्चन में, इसको यूज करें क्वेश्चन में. तो ये देखो, तो ये हमारे पास कोई नंबर है, ये तो जैसे ही मॉडुलस लग जाए तो कांस्टेंट हो गया. इससे हटा के लिख दो k, इससे हटा के लिख देना k. अब जरा इसको मैं ठीक करता हूँ, देखिएगा. अब मैं इसको ठीक करता हूँ भाई, क्या हो गया ये, यहाँ लिखता हूँ मैं z माइनस z2 और z माइनस z1, दिस इक्वल्स टू के आई. ये हो गया अपने पास cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो हो गया i. ये अपने पास हो गया के आई. फिर से लिखता हूं मैं z माइनस z2 और z माइनस z1, इसका होल कंजुगेट, माइनस में के आई, तो माइनस हो गया और के आई. तो के आई हमारे पास कहाँ है, z माइनस z2 एंड z माइनस z1, ये आ गया. अब इसको ठीक करो, आप इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया z माइनस z1, z1 बार माइनस z2 बार, z माइनस z2, z बार माइनस z1 बार, दिस इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग एज z1 z2 एज एंड ऑफ डायमीटर. सही है. अब क्वेश्चन की बात करेंगे, थ्योरी काफी हो गया, अब क्वेश्चन की बात करेंगे. थ्योरी में थोड़ा सा और मैं लिखता हूं एक चीज. अगर देखोगे आप, मैंने यहां लिखा था z1 z2, यहां से लिखूंगा मैं, मुझे चाहिए थ्योरी में यहां से z1 z2 बार, z1 बार z2 अगर है तो क्या लिखा आपने, ये हो गया ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z1 z2. सही है ना, ये लिखा था हमने शायद, तो ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ z1, मोड ऑफ z2 एंड cos दोनों के बीच का एंगल, ये अपने पास काम देगा, ये सब अपने पास काम देगा. अब जरा जाइए क्वेश्चन में, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या स्टॉक में है. आइए क्वेश्चन अपने पास स्टॉक में क्या क्या है ये देखा जाए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आपके पास. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, अब देखिए कितना शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट किया गया. क्वेश्चन है एरिया ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. चलो ठीक है भाई, कर्व हमारे पास वन है, ये हमारे पास फर्स्ट कर्व है भाई. आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू पाई बाय टू. आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू का मतलब हो गया, सी वन की बात करेंगे, ये हमारे पास हो गया भाई साहब क्या, यहाँ जेड की बात करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई. ये अपने पास हो गया वाई अपॉन, ये अपने पास हो गया वाई अपॉन एक्स माइनस टू, और ये पाई बाय फोर है तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया वन. सही है ना, आर्गुमेंट दिस हमारे पास है तो टेन वर्स में लिखते हैं वन, ये हो गया वन, ये हो गया वाई का वैल्यू हो गया एक्स माइनस टू, राइट. ये हो गया कंडीशन वन. नेक्स्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये भी उसी का भाई है, वाई अपॉन एक्स माइनस टू, ये हो गया माइनस वन, तो यहां हो गया वाई का वैल्यू माइनस एक्स एंड प्लस टू. एंड अलग से कंडीशन दिया हुआ है इसके बारे में, ये कंडीशन हमारे पास है रियल ऑफ दिस. तो देखो तो रियल ऑफ दिस का होल स्क्वायर, तो रियल ऑफ दिस का होल स्क्वायर मतलब यहां से क्या हो गया, ये हो गया इसका रियल कितना, एक्स माइनस टू, यहां से हो जाएगा अगेन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हो गया नंबर टू, ये हो गया नंबर थ्री का होल स्क्वायर. सही है, दिस इक्वल्स टू. अब इसकी बात करोगे तो जेड माइनस जेड बार क्या होता है, टू आई वाई, ये अपने पास हो गया वाई. अब जब देखो क्या हो गया, दो लाइन आ गया और एक पैराबोला आ गया. अब इसके बीच का एरिया चाहिए, कितना मस्त क्वेश्चन हो गया. अब इसे मैं ठीक करता हूं, इससे मैं ठीक करता हूं, तो इसको ऐसे लिखा. अब भाई फर्स्ट की बात करें, एक्स जीरो करेंगे तो वाई माइनस टू, वाई जीरो करेंगे तो एक्स हो गया टू. सही है, ये अपने पास आया. इसकी बात करोगे तो यहां हो गया वाई एक्स जीरो वाई टू, वाई जीरो एक्स टू, और एक्स जीरो तो वाई टू, दिस वन. अब इसके अलावा थोड़ा सा और बढ़ा दे ऐसे से. अब इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास टू से क्या हो गया, ये बनेगा पैराबोला, जहां इसका सेंटर, इसका जो है वर्टेक्स इतना हो गया टू जीरो, यहां से पैराबोला.
दिस वन, ये बना अपने पास पैराबोला, तो और ठीक से बनाना था उसे, उसे थोड़ा और ठीक से बनाना होता तो अच्छा रहता। तो ये अपने पास देखो, ये जो पॉइंट अपने पास बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये हो गया टू, ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा वन, निकालेंगे तो वैल्यू आएगा वन। आपको चाहिए एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस। अब देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा है कैलकुलस, बस ये एरिया हो गया बच्चे। अब आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ये दोनों सिमेट्रिक एरिया है तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, टू टू थ्री लिख दो, ट्वाइस ऑफ टू टू थ्री या वन टू टू, जो आपको सूट करता है। तो ट्वाइस ऑफ टू टू थ्री, ये लाइन का इक्वेशन क्या था बच्चे, ये लाइन था अपने पास लगता है, सेकंड लाइन था एक्स जीरो वाई टू, नो ये लाइन था हमारे पास एक्स जीरो वाई माइनस टू, ये लाइन था फर्स्ट लाइन, ये अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस टू माइनस में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको जब ब्रेक करोगे, बाकी तो इंटीग्रेशन हो गया, ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ होल स्क्वायर बाय टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब बाय थ्री टू टू थ्री। इसको ब्रेक करोगे तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया वन बाय थ्री। देखिए आपका आंसर वन बाय थ्री है, ये आंसर आ गया वन बाय थ्री, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं आप। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास दिखेगा, बहुत ही मस्त बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। और इसी तरह का हमने जो क्वेश्चन है रीलोडेड कैलकुलस को जो बनाया था, जो आपने कैलकुलस का 20 लेक्चर का जो आपने टॉपिक अगर देखा होगा, आप फील क्या होगा कि हर चैप्टर में काफी मिक्सिंग कंसेप्ट हमने डाला है, जो एडवांस के लिए आपका मार्क्स पक्का करता है। एडवांस के लिए उससे बढ़िया आपका कलेक्शन हो ही नहीं सकता। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, यहां दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां दिख रहा है प्रॉपर्टी, तो पहले प्रॉपर्टी सोल्व करो फिर बाकी बात करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी सोल्व करते हैं, इसको लिखता हूं मैं, यहां हो गया अपने पास साइन एक्स, ये हो गया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स जीरो टू पावर टू। अब प्रॉपर्टी में किंग रूल लगाते हैं आप, इसको जैसे लगाते हो किंग रूल लगाते हो, प्रॉपर्टी लगाते हो, तो जीरो से पावर टू साइन अपने पास कॉस आ गया डी एक्स एल एन, यहाँ पे ये चेंज होगा, फर्क नहीं पड़ेगा साइन कॉस में, कॉस साइन में फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो एच टीज रह गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एच टीज रह गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो क्या आ गया, ऐड करने पे अपने पास क्या आ गया देखिए, तो ऐड करेंगे साइन माइनस कॉस, एस फॉर साइन सी फॉर कॉस लिखा हमने शॉर्ट में, दिस साइन माइनस कॉस ये हो गया डी एक्स एंड जीरो टू पावर टू ऐसे लिखा। अब देखो तो जरा सा, यहाँ माइनस कॉस है यहाँ प्लस कॉस है, तो अपने पास क्या हो गया, इसका डीसी है लगता है यहाँ पे साइन का डीसी कॉस, माइनस कॉस का हो गया साइन, इसका डीसी हो गया सीधे आ गया। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, लॉगेस्ट का इंटीग्रेशन आपको याद है, इसका आंसर होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, मीन्स क्या हुआ एक्स कॉमन ले लोगे तो लॉग एक्स माइनस वन आ गया प्लस कॉन्स्टेंट के आ गया दिस वन। तो ये अपन यूज करते हैं इसके प्लेस पे, यहां मैंने लिखा क्या एक्स, एक्स हमारे पास क्या है भाई साहब लॉग एक्स है, एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सही है ना, ये अपने पास हमने लिख दिया साइन एक्स, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया इसका वैल्यू, और यहां से क्या हो गया लॉग ऐसे ले लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस वन, ठीक है, इस टोटल का जीरो टू पाई बाय टू। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू अपने पास आ गया टू आई का वैल्यू, चेक करो क्या आया भाई, कॉस यहाँ पावर टू रखोगे तो साइन पावर टू वन, कॉस पावर टू जीरो, यहां से बन गया वन इन टू, इसकी बात करोगे तो ये जीरो हो गया, चूंकि साइन पावर टू वन और कॉस पावर टू जीरो लॉग वन जीरो, तो बनेगा माइनस वन, ये बनेगा माइनस वन माइनस। अब इसकी बात करो जीरो रखोगे तो ये हो गया जीरो और कॉस जीरो होता है वन, यहां से बन गया माइनस वन, ठीक है, इंटू माइनस वन इंटू ये हो गया फिर से जीरो, है ना, कॉस जीरो कितना कॉस जीरो वन, चूंकि यहां तो मॉडल वैल्यू है हमारे पास है, ये तो मॉडल वैल्यू है, ये हो गया अपने पास
cos 0 हो गया 1, log 1 0 तो फिर से माइनस 1, दिस 1, देखो क्या आ गया, यहां से माइनस 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 2, ये अपने पास आ गया माइनस 2, आई क्या हो गया, आई अपने पास हो गया माइनस 1, राइट। अब कुछ नहीं करने का, अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू रखना है माइनस 1, इसका वैल्यू रख देना है माइनस 1, किसका वैल्यू, अब इसके वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास रियल ऑफ दिस, तो रियल ऑफ दिस का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 1, ये हो गया अपने पास एक्स माइनस 1, और यहां से हो गया रियल ऑफ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपने पास क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस 1, और दिस इक्वल टू हो गया कितना, बस वैल्यू, ये वैल्यू आई के बराबर था, आई अपने पास कितना है, आई अपने पास हो गया माइनस 1, राइट। अब ये क्वेश्चन रहा, अब इसको ठीक करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और 1 कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। अब यहां से आपको चाहिए क्या, देखिए अब यहां से क्या चाहिए, एक कंडीशन भी अपने पास था, लगता है जेड इज बीइंग यूनिमोडल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक अलग से दिया हुआ है कि जेड का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां से दोनों को यूज कर लो आप, तो वहां से यूज करोगे तो वाई स्क्वायर अपने पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस एक्स, जीरो, तो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जीरो। अब देखिए क्या अपने पास आया, अब यहां से मैं इसको हटाता हूं यहां से और लिखता हूं, देखो क्या आया आपके पास रिजल्ट, अब देखिए रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन आपके पास था कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिखा क्या आपको, दिखा इसमें, इसमें दिखा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आया, ये अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जीरो, 2x स्क्वायर ठीक है प्लस दिस एंड माइनस 1 जीरो। अब देखो चाहिए क्या, देखो तो चाहिए क्या अपने पास, z प्लस z बार ये कितना होता है, z प्लस z बार हो गया 2x इक्वल टू 1, ये सही है, इसके चलते यहां सही हो गया, ये हो गया जीरो, इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो क्या हो गया, देखिए तो z प्लस z बार अपने पास क्या हो गया, ये हो गया बच्चे z प्लस z बार ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 है, तो यहां क्या हो गया, x हो गया माइनस 1, तो ये भी सही हो गया, जेड जेड बार तो अपने पास पहले से ऑलरेडी है, तो ये आंसर हो गया, जेड जेड बार यहां से आ गया, जेड जेड बार दिस इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ये ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये देखेंगे क्या करने का क्वेश्चन में, इफ सी विल ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, वाह, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड चाहिए, कुछ नहीं करने का, इसका देखो क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या बोलता है, जेड माइनस जेड बार है, जेड कितना, जेड हो गया एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये वैल्यू ये आपका कैंसिल हो गया, अब यहां से देखो क्या हो गया, आई वाई और आई वाई टू आई वाई, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया टू आई वाई, इसका वैल्यू लिख देंगे, ये अपने पास हो गया टू आई वाई का स्क्वायर, अब यहां ठीक करो आप, तो क्या हो गया माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और माइनस 12, ये क्वेश्चन रहा। अब उसको एक तरफ ले जाओगे, एक तरफ ले जाओगे तो लगता है ये कटेगा आपके पास, ये कैंसिल हो गया, चार तिया 12 हो गया यहां से, तो ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सही है ना। अब यहां से ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 वाई स्क्वायर बाई 3 बाई 2 दिस इक्वल्स टू 1, ये बन गया आपका एलिप्स, ये बन गया आपका एलिप्स, सही है ना, ये ऐसा वाला एलिप्स बन गया अच्छे। अब जब एलिप्स बन जाएगा तो अपने पास करें क्या, दिस है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड चाहिए तो यहां से कोई पॉइंट उठा के लेंगे, यहां पे यहां लिखेंगे रूट 3 कॉस थीटा, ये हो गया आपका कितना रूट थ्री बाय टू साइन थीटा,
सही है ना। अब वहां से कुछ नहीं करने का, तो एक्स का वैल्यू अपने पास वहां से आ गया, और आपको चाहिए कि आप मोड ऑफ जेड की बात कर रहे हैं, तो अपने पास एक्स हो गया रूट थ्री कॉस थीटा, वाई हो गया रूट अंडर थ्री बाय टू साइन थीटा, सही है। अब यहां से मोड ऑफ जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा थ्री बाय टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां से ठीक करोगे तो थ्री बाय टू हो गया, थ्री बाय टू कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाता है, तो बचेगा अलग से कितना थ्री बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये बचेगा। और इसका मैक्स मीन आप जानते हैं, इसका मीन हो गया आपका जीरो, इसका मैक्स हो गया कितना वन। आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जेड स्क्वायर का मैक्स वैल्यू कितना हो गया, ये मैक्स वैल्यू कितना हो गया थ्री बाय टू, और थ्री बाय टू कितना हो गया थ्री हो गया, तो जेड मैक्स कितना हो गया, जेड मैक्स अपने पास हो गया ये हो गया रूट थ्री, राइट। आंसर अपने पास हो गया रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर देखिए क्या आपके पास है, आइए क्वेश्चन नंबर फोर यहां देखें, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर फोर। हर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बैलेंसिंग है, बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन डाला गया है, ताकि आपका वहां पे वेटेज मिले, आपका मेंटल एनहेंसमेंट हो जाए, और हर हाल में क्वेश्चन आपका दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका बन जाए जहां बन सकता हो। अगर बाय द वे पहले से आप 15 के लायक हैं तो 18 के लायक बन जाए, 20 के लायक बन जाए, ये हमारी कोशिश है। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विच सेटिस्फाइज दिस क्वेश्चन दिस, अब यहां से देखो तो मोड ऑफ जेड अपने पास है कितना वन है, तो इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया वन, एक कंडीशन। अब इसकी बात करोगे, ये अपने पास जेड माइनस रूट टू ऑफ वन प्लस आई, इसका मॉडल वैल्यू ये हो गया अपने पास मोड ऑफ जेड, इसको लिख सकते हैं क्या मोड ऑफ जेड माइनस जीरो, ये तो कुछ नहीं हो गया, ये तो बाइसेक्टर आ गया भाई, ये अपने पास हो गया यूज हो गया बाइसेक्टर के फॉर्म में, तो ये बाइसेक्टर के फॉर्म में क्या हो गया, यहां हो गया जीरो, और यहां अपने पास हो गया देखो तो कितना, ये अपने पास रूट टू ऑफ वन प्लस आयोटा, अब हो गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तो ये अपने पास हुआ इसका इक्वेशन, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका लाइन बाइसेक्टर, तो इक्वेशन क्या हो गया इसका, इसका इक्वेशन हो गया वन प्लस आई बाई टू, यहाँ हो गया आपका रूट टू ऑफ दिस, तो वैल्यू हो गया आपका वन प्लस आई बाई रूट टू, ये आपका आंसर हो गया। देखिए है क्या, यही आपका आंसर है, कितना आसान क्वेश्चन था, जेड का वैल्यू ये आ गया आपके पास, यही अपने पास जेड आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें कि क्वेश्चन फाइव क्या बोलता है, यहां से आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव, अब देखा जाए क्वेश्चन फाइव क्या बोलता है। अगेन क्वेश्चन फाइव में जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल सही है, एक्स बाय बिलोंग्स टू रियल है, ये भी सही है, एरिया बॉन्डेड बाई द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सेटिस्फाइंग दिस, ये दिया हुआ हमारे पास है, अच्छा, एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, वाह कुछ नहीं बोल रहा भाई, ये बोल रहा है जेड माइनस वन दिस ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड, हो गया ट्वाइस ऑफ वाई, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड मीन्स हो गया ट्वाइस ऑफ वाई, इसका स्क्वायर करते अच्छा रहेगा, इसका स्क्वायर करें, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे इसका अच्छा रहेगा, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, तो ये हो गया अपने पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, और ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया फोर वाई स्क्वायर, इसको ठीक करोगे आप तो ये अपने पास हो गया देखिएगा थ्री वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको ठीक करेंगे तो यहां से अपने पास हो जाएगा कितना थ्री वाई स्क्वायर है, थ्री वाई स्क्वायर है, ओके एक्स माइनस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री ऑफ वाई, तो दो कंडीशन आया, एक तो अपने पास आया यहां से एक्स इक्वल्स टू वन प्लस रूट थ्री वाई, एक आ गया एक्स वन माइनस रूट थ्री वाई, ये वैल्यू हुआ। अब जरा देखिए क्या चाहिए, अब यहां से मैं बनाता हूं डायग्राम, फर्स्ट की बात करूंगा तो फर्स्ट की बात करूंगा तो वाई जीरो तो एक्स वन, एक्स जीरो करेंगे, एक्स जीरो करेंगे तो वाई हो गया अपने पास कितना, एक्स जीरो तो हो गया वाई माइनस वन बाय थ्री,
x जीरो करेंगे तो अपने पास y हो गया माइनस में 1 बाय 3 रूट 3, ऐसे आया दिस वन। सेकेंड की बात करेंगे तो यहां से हो गया अपने पास y जीरो तो x वन, और x जीरो तो y 1 बाय रूट 3, y 1 बाय रूट 3 ये अपने पास आ गया। तो ये हो गया अपने पास 1 0 0 1 बाय रूट 3। आपको एरिया क्या चाहिए, फाइंड द एरिया, ये हो गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन। इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया आपका क्यू, आप सोचेंगे क्यू, आप सोचेंगे वाई इट इज रिजेक्टेड, ठीक है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लोकस सेटिस्फाइंग दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये एरिया चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ये हो गया हाफ इंटू वन इंटू वन बाय रूट थ्री हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वन बाय टू रूट थ्री है क्या कहीं, आंसर हो गया 1 बाई 2 रूट 3, ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 देखें, क्वेश्चन 6 में आपके पास क्या है क्वेश्चन, आइए बहुत मस्त क्वेश्चन ये भी आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन, देखिएगा अच्छे कलेक्शंस आपके लिए लाए गए हैं ताकि आपको मजा आपको आए। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ क्या है, लेट पी ऑफ जेड सेटिस्फाई दिस, इसको ठीक करेंगे और जल्दी क्या है, ये हमारा सर्किल का इक्वेशन हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। तो अब यहां से क्या करते हैं, लेट दिस दिस हमारे पास है तो सर्किल का इक्वेशन हो गया, तो सर्किल का यहां लिख देता हूं, सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर कितना है, सेंटर होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ जेड बार दिस, तो सेंटर अपने पास हो गया कितना, माइनस फोर एंड फाइव दिस वन, ये सेंटर हो गया। अब क्या चाहिए भाई, अगर कोई पूछता है इसका रेडियस क्या हो गया, सपोज करो इसका पूछा जाता है रेडियस क्या हो गया सर्किल का सेंटर का, इसका रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो गया, रेडियस हो गया रूट अंडर में, यहाँ लिखेंगे क्या, ए लिखेंगे ए एंड ए बार माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ अब ए ए बार का मतलब क्या हो गया, फोर माइनस फाइव आई एंड फोर प्लस फाइव आई, और माइनस फोर्टी है तो प्लस फोर्टी हो गया क्योंकि ये लेफ्ट में आ गया माइनस फोर्टी, ये देखिए कितना हो गया 25 और 16 कितना हो गया भाई 41, ये बन गया आपका 81, ये बन जाएगा पास 9, ये क्या बना, ये अपने पास बन गया 9, रेडियस हो गया 9। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का, अब आपको डिस्टेंस कहाँ से चाहिए भाई साहब, अब आपको डिस्टेंस चाहिए देखो कहाँ से, अब ऐसे ले लिया आपने पॉइंट ले लिया, ये सेंटर है माइनस फोर फाइव, ये हो गया माइनस फोर फाइव सेंटर है। अब आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जो दे रहा है टू और थ्री, तो यहां से देखो डिस्टेंस ए हमारे पास है, ए बराबर है मैक्स ऑफ दिस, तो ये डिस्टेंस हो गया माइनस टू और थ्री, मान लो यहां पे लिख दिया हमने कहीं होगा ये माइनस टू थ्री, माइनस टू और थ्री दिया। अब देखो क्या करने का, इसको ऐसे ले आइएगा, अपने पास हो गया मैक्स ऑफ दिस, इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ये हो गया ओ, इसको मान लीजिएगा ए, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, दोनों में सेम पॉइंट हमारे पास है, अभी ए से पहले निकालना पड़ेगा ओ ए, ओ ए निकालिए क्या हो गया, ओ ए अपने पास हो गया दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो माइनस फोर माइनस टू प्लस टू हो गया, तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर, और फाइव माइनस थ्री हो गया टू, टू का स्क्वायर हो गया फोर, दिस वन एट हो गया, तो ये अपने पास बन गया टू रूट टू, सही है ना। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए ए, ए अपने पास है मैक्सिमम डिस्टेंस, ए अपने पास है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये अपने पास हो गया नाइन, ये अपने पास है भाई, ये अपने पास है नाइन, ये नाइन है, नाइन में ऐड हो गया नाइन प्लस में ये पार्ट कितना हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस में, नाइन प्लस टू रूट टू, और बी क्या हो गया, बी हो गया नाइन माइनस टू रूट टू बिकॉज बी इज द मिनिमम, सही है। तो अपने पास देखो तो ए का वैल्यू क्या, ए प्लस बी कितना हो गया, ये सही है, ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी फोर रूट टू, ये भी सही है, और देखो तो ए इंटू बी करोगे तो यहाँ क्या हो गया, कंजुगेट नंबर फॉर्म में है तो इक्यासी, इक्यासी में से आठ गया क्या हो गया, इक्यासी में से आठ गया तो 73, ये आंसर आ गया, तो ये दोनों आपके ऑप्शन यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए क्या बोलता है, एक शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 आ गया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 देखता हूं मैं, यहां क्या करने का है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से कंडीशन यहां से ऐसे आएगा और ये वैल्यू दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस का मतलब इसको कैसे निकालोगे, एक काम करते तो यहां से लिखता हूं मैं मोड ऑफ जेड हमारे पास है, मोड ऑफ जेड हमारे पास क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका वैल्यू 1 है, एक्स कॉमा वाई का वैल्यू दिस वन है, एक्स का वैल्यू ले लो कॉस थीटा और वाई का वैल्यू ले लो साइन थीटा, दिस ये कंडीशन में आएगा। फिलहाल अब इसकी बात करेंगे जेड प्लस वन, ये अपने पास क्या होगा भाई साहब, ये अपने पास हो गया जेड स्क्वायर से, हाँ जेड बाहर निकाल लो अच्छा रहेगा, तो जेड बाहर निकाल लेंगे ऐसे, तो ये बनेगा आपका जेड प्लस वन बाय जेड और माइनस वन दिस वन, ये भाई साहब हो गया वन, इसका वैल्यू वहां से वन है। अब ये क्या बना भाई, ये बना आपका जेड प्लस वन, जेड माइनस वन बाय जेड, जेड प्लस वन बाय जेड माइनस वन, ये रहा। अब इसको लिखता हूं मैं एक्सप्रेशन, कुछ लिखता हूं एक्सप्रेशन, अब देखिए क्या आ गया, तो इसकी बात करोगे तो जेड प्लस वन बाय जेड कितना होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वन बाय जेड को जेड बार, जरा सा वन बाय जेड अगर है तो मैं लिखना चाहता हूं जेड बार अपॉन जेड जेड बार, ये तो वन है ही, ये हो गया अपने पास, इसको काट के लिख दो जेड बार, देखिए क्या हो गया, यहां से अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट, इसका स्क्वायर रूट। इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया मॉडुलस ऑफ टू एक्स, ये अपने पास आ गया टू एक्स माइनस वन। अब जब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन है, तो यहां से वन वन हो गया टू, तो ये अपने पास हो गया आपका ट्वाइस ऑफ वन प्लस एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन दिस वन। अब यहां से इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक काम करते हैं, इसको अपन एफ एक्स मान लिया, अपने को मैक्सिमम चाहिए, शायद अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करने का। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, एक ऐसे लिखता हूं, यहां लिख देता हूं टू एक्स माइनस वन जब एक्स ग्रेटर देन हाफ हो, ये लिखता हूं माइनस टू एक्स प्लस वन जब एक्स लेस देन हाफ हो। अब देखो तो इसको डी बाई डी एक्स करो आप, तो डी बाई डी एक्स करेंगे आप तो क्या आ गया, देखिए तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका क्या हो गया वन बाई रूट टू, बाहर निकाल लेना पहले तो रूट टू बाहर निकाल लेना, यहाँ रूट टू हमारे पास है, दिस का हो गया वन बाय टू ऑफ रूट अंडर वन प्लस एक्स। इसकी बात करोगे तो आपको चाहिए कितना पे, आपको चाहिए कितना पे, आपको नहीं पता कितना पे चाहिए, तो दोनों कंडीशन लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, यहाँ पे प्लस में दोनों बात लिखते हैं, एक बार लिखते हैं टू, एक बार लिखते हैं माइनस टू, सही है ना। अब जरा देखो तो यहां से ये कैंसिल हो गया रूट टू, तो ये पार्ट आपके पास इसके साथ जीरो नहीं हो सकता, ये पार्ट हमारे पास ये निगेटिव में नहीं आ, प्लस हमारे पास है ना, हाँ दिस सॉरी ये प्लस है, ये इसके प्लेस पे प्लस है वैल्यू, तो ये पार्ट अपना जीरो नहीं हो सकता, इसके साथ ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखता हूँ मैं क्या लिखने का है, अब देखिए क्या लिखने का है, अब मैं इसको ठीक करता हूँ, देखिएगा इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसका हमने यूज ही नहीं किया, इसका यूज नहीं किया अपन ने, तो क्या करने का देखिए, तो अब यहां लिखता हूं फोर मैक्स और मीन, फोर मैक्स और मीन एफ डैश एक्स जीरो, सही है ना, तो ये हो गया वन बाय टू रूट टू वन प्लस एक्स और माइनस टू बराबर जीरो, तो राइट में हो गया प्लस टू हो गया बच्चे, ये अपने पास क्या हो गया वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स, ये हो गया अपने पास कितना टू रूट टू, उल्टा कर दो तो वन प्लस एक्स कर दोगे वन बाय एट हो गया, एक्स अपने पास हो गया कितना वन बाय एट माइनस वन माइनस सेवन बाय एट हो गया, और यही वैल्यू देगा मैक्स और मीन के लिए, ये वैल्यू देगा। अब देखिए पास वैल्यू क्या आ गया, फंक्शन कहाँ हमारे पास, ये फंक्शन है, ये अपने पास फंक्शन है, ये अपने पास फंक्शन है बच्चे, ये अपने पास फंक्शन है। अब यहां से फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन का मैक्स वैल्यू कहां पे है, नेगेटिव चाहिए वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू पे चाहिए,
मत इसकी बात कर रहा है, इसको यूज करने का यहाँ पे है, तो ये हो गया अपने पास कितना, ये अपने पास हो गया रूट अंडर में 2 इंटू 1 माइनस कितना 2 इंटू 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स है तो यहाँ हो गया 1 माइनस 7 बाई 8, ये हो गया आपका 1 बाई 8, ये हो गया 1 बाई 8 प्लस प्लस या माइनस, माइनस माइनस में, तो माइनस में अपने पास फिर से क्या हो गया, माइनस में 2 इंटू माइनस 7 बाई 8 एंड प्लस 1, सही है, ये यहां से कट के हो गया 1 बाई 4, ये कट के आ गया 1 बाई 2, अब यहां से कट के हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 4, अब जब देखो तो क्या हो गया 7 4 11 11 12 13 13 बाई 4, ये आंसर आपका आ गया 13 बाई 4, कैलकुलेशन करेंगे तो 13 बाई 4 आ गया, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां थीटा लगा सकते थे, आप थीटा लगा सकते थे अगर आपकी मर्जी थी। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया, अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये देखिए, तो लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल ओके इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद सर्कम सेंटर ओरिजिन एंड अ फिक्सेस ऑफ वर्टिसेस ए बी सी आर दिस दिस दिस, तो ये सपोज करो कि ये हमारे पास सर्किल है, राइट। नंबर फर्स्ट, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द साइड बी सी, तो यहां से मैंने लिखा क्या, इसको ऐसे लिखा, ऐसे लाया दिस वन, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये अपने पास है सर्कम सेंटर, दिस वन ये सर्कम सेंटर है, ये अपने पास है ए ऑफ जेड जेड वन, ये अपने पास बी जेड टू, सी ऑफ जेड थ्री, इसको बोलेंगे P of Z, A निकालना है। If a perpendicular from vertex A to the side BC intersect the circumcircle at P, right? Then P of Z निकालना है, find P of Z in terms of Z1, Z2, Z3। ऐसा क्वेश्चन हर हाल में आ सकता है, आने वाले टाइम में, इस बार आ जाए, अगले साल आ जाए, IIT एडवांस में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा। अब देखो आपके पास क्या है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, इसको मिला दो आप, इसको भी मिला दो आप, तो यार देखो तो क्या करना, यहाँ पे अपने पास सी है, राइट, ये सी है अपने पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हो गया पाई बाय टू माइनस सी, ये पाई बाय टू माइनस सी है, ये बीच का जो एंगल है आप जानते हो डबल होता है, ये अपने पास हो गया पाई माइनस टू सी, और जब ये सी है तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया टू सी। अब कुछ नहीं करने का, अब इसमें देखिए क्या करने का है, अब यहां से मैं इसकी बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं COP की बात करता हूं, तो इसको ऐसे लाएंगे COP के लिए, अब यहां से लिखता हूं मैं क्या COP की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से लिखूंगा मैं आर्गुमेंट ऑफ Z3 बाई Z इक्वल्स टू पाई माइनस टू सी, ये हो जाएगा Z3 बाई Z इक्वल्स टू मोड ऑफ Z3 बाई मोड ऑफ Z e टू दी पावर आई पाई माइनस टू सी। अब एक चीज देखना, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जो हमारे पास है रेडियस है, दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया z3 बाई z की बात करोगे तो ये बच गया e के पावर आई पाई होता है माइनस वन, माइनस में e टू दी पावर माइनस टू सी आई दिस वन, इसकी बात करो। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करोगे फिर से यहां से ऐसे ऐसे लाओ, अब फिर से मैं ऐसे ला रहा हूं मैं, अब यहां से इसकी बात करोगे कौन सा आपका BOA, अब BOA की बात कर रहे हैं, BOA की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहले इस ट्रायंगल की बात की थी हमने, अब देखो क्या करने का, ऐसे चले, ये क्या हो गया, ये हो गया आर्गुमेंट Z2 by Z1, Z2 by Z1 equals to twice of C, ये हो गया Z2 by Z1 equals to mod of Z2 by Z एंड ई का पावर टू सी आई, ये कैंसिल, तो ये हो गया Z2 by Z की बात कर रहे थे, इसका वैल्यू लाओगे, इसको नीचे लाओगे तो ये हो गया माइनस में Z by Z3, माइनस में Z by Z3, सही है, नो सही नहीं है, कुछ गलत है, अब यहां से लाएंगे इसको ठीक करेंगे,
e का पावर 2ci, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया z3 by z हमारे पास है, और यहां से अपने पास आ गया अरे भाई हमने तो इसको यूज ही नहीं किया भाई साहब, ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? यहां से हो गया zp, ये p है हमारे पास है, ये p है, और इसकी बात करोगे तो z2 by z1 है, ये z2 by z1 है यहाँ पे, सॉरी z1 है भाई, ये z1 है भाई, ये z1 है, ये z1 है। अब सही हो गया, अब कुछ नहीं करने का। अब देखो तो क्या हुआ, z2 by z1 इक्वल टू e के पावर 2ci, ये लाएंगे तो z by z3 माइनस में, सही है। तो z अपने पास क्या चाहिए था, z अपने पास चाहिए था माइनस में z2 z3 by z1, ये अपने पास आंसर आ गया। अपने पास क्या आ गया भाई साहब, अपने पास आ गया z क्या वैल्यू, माइनस में z2 z3 by z1, ये आपके आंसर्स हो गए। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अब मैं इसका देखूं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या करने का है ये देखिएगा। सेकंड पार्ट इसका सेम वही कंडीशन है, अब फिर से सर्किल बनाना है, बना लीजिए आप। ये सर्किल ले लिया इस बार, ये सर्किल ले लिया इस बार, ये ले लिया। अब क्या बोला जा रहा है, AP dash is the internal bisector of A, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है ये। तो ये हमारे पास हो गया A है, ये अपने पास हो गया a/2, और ये भी हो गया a/2, राइट, और ये सेंटर है। ए बी दिस वन, ये हो गया पी ऑफ जेड। अब क्या चाहिए, अब जरा लॉजिक देखना फिर से, अब यहां लॉजिक देखना क्या, इसको मिला दीजिए इससे। ये जो एंगल है ए बाय टू है, तो ये एंगल हो गया ए, ए बाय टू है तो ये भी हो गया ए। अब इसकी बात करोगे, अब यहां से इसको ऐसे लाओ, तो मैं लिखना चाहता हूं आर्गुमेंट ऑफ z3 by z इक्वल्स टू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया z by z3, ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z by z3, आर्गुमेंट हटा दो तो z3 by z इक्वल्स टू z by z3, ये हो गया। ये क्या हो गया, इसको जेड पी लिख सकते थे अच्छा सा, तो ये हो गया आपका दिस का स्क्वायर एंड z2 z3 दिस वन, और चलिए क्या हो गया z2 zp z3 rngp, यहां से लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि z2 zp z3 rn rn gp, ये gp में आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, अच्छे करेक्शंस आपके पास आते जा रहे हैं, और कितना मजा आता आ रहा है देखिए आप। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, ये झूठ मूठ का क्वेश्चन है। झूठ मूठ का क्वेश्चन कैसे है कि एक सिंपल सी बात समझो, अगर कोई पूछे आपसे कि 1 plus iota upon 1 minus iota, दिस 2 plus 3 iota into 3 plus 2 iota, कुछ भी करोगे सब कैंसिल, सब कैंसिल, सब वन हो जाएगा। क्यों वन हो जाएगा, यहां भी 2 और 3 यूज हो रहा है, यहां भी 2 और 3 यूज हो रहा है, यहां से क्या हो गया √2² + 3² या √3² + 2², सब में सेम हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हलाइए, इस कॉन्सेप्ट को हलाइएगा तो देखो क्या हो गया, अपने पास वो चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं 5z2 by 7z1 प्योरली इमेजिनरी मींस k ऑफ i। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं z2 by z1 इक्वल्स टू, ये चला गया आपका 7/5 k ऑफ i, इसको लिख दिया c ऑफ i। अब वो चाहिए अपने पास 2 और 3 चाहिए, z1 के साथ 2 चाहिए, z2 के साथ 3 चाहिए, 3z2 by 2z1, राइट, ये अपने पास हो गया 2z1। ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 3ci/2। अब लगा दो कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये हो गया अपने पास कितना 2z1 plus 3z2 2z1 minus 3z2 दिस वन, ऐसे यहां हो गया 2 plus 3ci and 2 minus 3ci दिस वन, ये कैंसिल होके हो गया 1, अब आंसर हो गया आपके पास, इसका वैल्यू हो गया 1, सही है, इजी लगा आपको, मस्त आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और आसान क्वेश्चन आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10 नंबर। क्या है क्वेश्चन? Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये कंडीशन है एलिप्स का। कैसा कंडीशन है एलिप्स का? तो एलिप्स का कंडीशन आप जानते हो, यहाँ कैसा है, ये वर्टिकल एलिप्स है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। ऐसे लाइए, ये पॉइंट अपने पास कितना हो गया 0, 2, ये हो गया 0, -2, दिस वन आप जानते हो z -z1 + z -z2 इक्वल्स टू लिखते क्या है, ट्वाइस ऑफ बी तब लिखते हैं जब ये वर्टिकल हो, अदरवाइज ट्वाइस ऑफ ए लिखते हैं जब आपका ऐसे हो, है ना, हॉरिजॉन्टल हो। तो दोनों में कंडीशन लिख दिया हमने, ये लिखा ऐसे, ये कंडीशन लिखा ऐसे रहेगा, तो ये लिखा हमने इक्वल्स टू के, जहाँ के का वैल्यू है, के का वैल्यू दिस आ गया, सही है, ये लिखा हमने, ये वर्टिकल के लिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए। अब यहाँ देखो क्या हो गया, अब अपने पास चल रहा है वर्टिकल एलिप्स चल रहा है, तो ट्वाइस ऑफ बी ना, तो ट्वाइस ऑफ बी दिस इक्वल्स टू 8, बी कितना आ गया, बी अपने पास आ गया 4, बिल्कुल सही है। अब आइए डिस्टेंस बिटवीन फोकी की बात कर लें, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकी की बात कर लें, ये अपने पास होता है एस एस डैश, इसको एस मानोगे, एस डैश आ गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकी, राइट, क्या हो गया भाई, ये हो गया 2BE, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 4, यहां से हो गया बी अपने पास क्या हो गया, बी अपने पास हो गया 2, ये हो गया नंबर 2। अब आप जानते हो ई स्क्वायर का वैल्यू 1 - a² / b² जो बड़ा वो नीचे आएगा, ये होता है। अब इसको यूज करते हैं अपन, अब यहां से मैं यूज करता हूं, देखो क्या, यहां से लिखता हूं ई स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपने पास क्या होगा, यहाँ हो गया 4, ये हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, बी 4 है तो ये हो गया 16 माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया 12, तो ए कितना हो गया, ए अपने पास हो गया 2√3, दिस वन। अब क्या करने का, अब देखिए आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए यहां से कैपिटल एम, कैपिटल एम मीन्स क्या हो गया, कैपिटल एम अपने पास हो गया बी, स्मॉल एम अपने पास हो गया ए, कैपिटल एम हो गया बी, बी मीन्स हो गया कितना, बी हमारे पास कितना है भाई, बी अपने पास 4 है, ये अपने पास है 2√3, तो इस दोनों का सम यहाँ निकाल लिया आपने, इसका सम हो गया 4 + 2√3, और इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 12 ये हो गया 28, ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए कितना है, क्या है क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अब देखिए यहाँ क्या है, काफी अच्छे क्वेश्चन ये भी है, कंडीशन अपने पास ये है, क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है बट ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन कैसे है, पहले उसकी वैल्यू की बात करें तो जेड क्यूब अपने पास है, मोड लगा दिया, ये हो गया जेड बार का मोडलेस वैल्यू, ये अपने पास हो गया मोड ऑफ जेड, कॉमन हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर एंड -1, 0, यहां से 2 कंडीशन, मोड ऑफ जेड ये 0 हो गया एक कंडीशन, एंड मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक कंडीशन, इसको यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जेड क्यूब इक्वल्स टू जेड बार, एक काम करें जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर और ये वैल्यू दिया हुआ है 1, वहां से यूटिलाइज हो गया, अब ये हो गया जेड 4 दिस इक्वल्स टू 1, तो 4 सोल्यूशन यहाँ पे आ गए, एक सोल्यूशन आपके पास यहाँ से आ गया, कितने सोल्यूशन हो गए, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ये अपने पास हो गया 4 + 1, आंसर हो गया 5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अब ये क्वेश्चन आ गया 12 नंबर, क्वेश्चन 12 में ए टेंजेंट टू द सर्कम सर्किल जेड दिस इंटरसेक्ट एट पी ऑफ जेड, एक सर्किल बना लो आप अपना, ऐसे सर्किल बना लिया, ठीक है, यहां से ये ऐसे लाए, यहां लाए दिस वन पी ऑफ जेड, राइट, ये लाया बच्चे, क्या है, इफ टेंजेंट टू द सर्कम सर्किल ओके एट जेड ए जेड वन बी जेड टू, ए जेड वन
BZ2 intersect at P, P of Z, then पूछ रहा है कि उसका जो है कंडीशन ए आपका ZP में, Z1 में, Z2 में क्या होगा. कुछ नहीं करने का, यहाँ सेंटर ले लेना, यहाँ से दिस वन इसको मिला दो, इससे मिला दो. आप जानते हो ये 90 बनेगा, 90 बनेगा. इसे जब मिलाएंगे, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास सर्कम सर्किल है, तो ये इसको मिलाएंगे आप, ये अपने पास क्या हो गया, इस टोटल इसको मान लिया जाए थीटा, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो जाएगा अपने पास कितना, पाई माइनस थीटा. सही है, अगर उसे थीटा मानेंगे तो क्या हो गया, ये थीटा अगर है, ये कंडीशन थीटा है बच्चे अगर, तो ये अपने पास आ गया पाई माइनस थीटा. गुड वन. अब कुछ नहीं करेगा, अब इससे कंडीशन चाहिए, अब इससे कंडीशन चाहिए, तो इसका एंगल देखोगे, इसको ऐसे निकाल लो, क्या हो गया, ये हो गया आर्गुमेंट z2 माइनस z बाई z1 माइनस z, z1 माइनस z, ये अपने पास थीटा हो गया, ये हो गया z माइनस z2 एंड z माइनस z1, क्या हो गया ये दिस वन, ये हो गया आपका z माइनस z2 बाई z माइनस z1 e का पावर i थीटा. ये कैंसिल, क्योंकि आप जानते हो ये लेंथ में हमारा दोनों इक्वल होता है, तो कैंसिल हो गया. अब एक कंडीशन यहां से आ गया, नेक्स्ट कंडीशन देखते, इसकी बात करोगे, अब इसकी बात करोगे तो फिर से लिखोगे आर्गुमेंट क्या है ये, z1 बाई z2, z1 बाई z2, ये क्या भाई साहब, ये अपने पास है पाई माइनस थीटा, ये हो गया z1 बाई z2 e टू द पावर i पाई माइनस थीटा, e के पावर i पाई हो गया माइनस वन, राइट, ई के पावर हो गया माइनस आई थीटा. अब ये हो गया माइनस वन अपॉन ई के पावर आई थीटा. अब जब देखो क्या करने का, अब आपको क्या करना है, ये देखिएगा यहां से, अब यहां से मेरे ई के पावर आई थीटा का वैल्यू देनी है मुझे, तो मुझे देना है वैल्यू क्या, जेड वन बाई जेड टू माइनस ई के पावर आई थीटा का वैल्यू यहां से उल्टा हो गया वन बाई दिस, चाहिए ये हो गया जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू. अब इसको ठीक कर लें आप, इसे ठीक कर लेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया जेड जेड वन माइनस जेड वन जेड टू, जेड जेड वन माइनस जेड वन जेड टू, ये हो गया माइनस में जेड जेड टू प्लस में जेड वन जेड टू, ये चला गया राइट में, यहां से लेफ्ट में लेंगे तो जेड अपने पास क्या हो गया, देखो तो जेड अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ जेड वन जेड टू बाई Z1 plus Z2, ये हो गया P, this is, ये हमारे पास देखिए कंडीशन क्या आया, ये आया Z1, ZP, Z2 are in HP, कहीं है क्या, Z1, Z2, ZP, Z2 are in HP, ये कंडीशन आ गया. This implies that Z1, ZP, Z2 are in HP, ये HP में कंडीशन आया. Next question, question number 13, next देखिए question number 13 में, अब देखिए क्वेश्चन 13 कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारे शानदार कलेक्शन आपको दिए गए हैं ताकि क्वेश्चन आपका एडवांस में छूटे नहीं. जो बच्चे इसको देख पा रहे हैं उसे एंजॉय करें और उसका फायदा उठाएं. क्वेश्चन है लेट बी एंड सी लाय ऑन द सर्किल, ऐसे सर्किल बना लिया एक, ये सर्किल बना लिया, बी एंड सी लाय ऑन ए सर्किल विथ ओ एज डायरेक्टर, आपका डायमीटर ओ ए हमारे पास डायमीटर है बच्चे, ये हो गया ओ, ये हो गया दिस बी हमारे पास, मान लो यहां पे है, ये हो गया 90, आप जानते हो बी एंड सी ऑन ए सर्किल, सी कहीं ले लिया आप, यहां लिया बी हमने ले लिया, यहां सी ले लीजिए आप, ये सी ले लीजिए आप, ये हो गया सी एज डायमीटर वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड इफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी इज थीटा, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, टोटल एंगल हो गया 2 थीटा. गुड. अब यहां से मुझे कंडीशन चाहिए, अब जरा एक लॉजिक देखना यहां से, ये यहां से अपने ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, मुझे यहां से cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा देखो तो क्या हो गया, यहां से cos थीटा की बात करोगे तो cos थीटा जब यहां 90 हो गया तो ये हो गया OB अपॉन OA, ये अपने पास हो गया OB अपॉन OA, और cos 2 थीटा क्या हो गया भाई, cos 2 थीटा की बात करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या है, ये 90 हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया OC by OA, OC by
OA, right? अब कुछ नहीं करने का, then so that Z1, Z2, Z3, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो Z1, Z2, Z3 में रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन कैसे निकलेगा, देखिए तो, ये रिलेशन निकालना आपको कैसे है, अब मैं इसकी बात करूं, यहां से इसकी बात करूं, एंगल में, तो यहां थीटा हमारे पास है, ये थीटा अपने पास है, आर्गुमेंट ऑफ, ये जीरो है भाई, यहां से लिख दोगे आप, Z1, ये Z2, और ये Z3, राइट, ये क्या हो गया, थीटा की बात करेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1, दिस वन, अब यहां से मर्जी इसको हटा दो, ये थीटा हमारे पास था, तो ये हो गया अपने पास Z2 बाय Z1, मोड ऑफ Z2 बाय मोड ऑफ Z1, e के पावर i थीटा, अब एक बात करना, मोड ऑफ Z2 क्या है भाई साहब, OB बाय OA है ये, OB बाय OA कहां से आ गया, cos थीटा आ गया ये हो गया cos थीटा, एंड e का पावर i थीटा, इसको मान लीजिए नंबर वन, राइट, नेक्स्ट बात करेंगे, इसको और ठीक करेंगे बाय द वे, तो Z2 अपने पास हो गया Z1 इंटू cos थीटा e का पावर i थीटा, इसको वन माना जाए, इसे मत मानिए, इसे वन माना जाए, दिस वन, सही है, अगेन अब अपन बात करते हैं 2 थीटा की बात करते हैं, तो फिर से देखोगे 2 थीटा, यहां से लिखेंगे आप, यहां से लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लाऊंगा मैं, ये अपने पास आ गया, ये एंगल चाहिए, तो क्या हो गया, देखो तो Z3 बाई Z1 हो गया, ये अपने पास हो गया Z3 बाई Z1, ये हो गया 2 थीटा, यहां से Z3 बाई Z1, मोड ऑफ Z3, मोड ऑफ Z1, e का पावर 2i थीटा, अब इसको और ठीक करें, ये हो गया Z3 इक्वल टू Z1, ये वैल्यू Z3 बाई Z1 कितना हो गया भाई, ये हो गया cos 2 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू e का पावर i 2 थीटा, अब एक बात करना, नंबर 2, यहां से वैल्यू आ गया Z3 बराबर Z1 cos 2 थीटा e का पावर i 2 थीटा आ गया, अब एक काम करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करके इसको डिवाइड करेंगे, अब मैं यहां से लाना चाहता हूं, देखो तो Z2 स्क्वायर, सही है, यहां से क्या हो गया Z1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बाकी कैंसिल हो गया, इसकी बात करोगे तो Z3 दिस वन, इसको हटा दीजिए यहां से, इसको यहां ले आइए, इसको यहां से हटाइए, ये कुछ नहीं है अपने पास, ये अपने पास है वैल्यू दिस वन, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास Z1 cos 2 थीटा, और बाकी कैंसिल हो गया, अब देखो तो क्या आ गया, यहां से एक Z1 यहां से साफ हो गया, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं आया, अब अपने पास हो गया Z2 स्क्वायर cos 2 थीटा, कितना हो गया Z2 स्क्वायर, ये हो गया cos 2 थीटा, Z2 स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू Z1 Z3 cos स्क्वायर थीटा, Z1 Z3 cos का थीटा, यहां पे 2 थीटा होगा, ये ध्यान रखने का है, सही है ना, यहां मिसिंग था आपका क्वेश्चन में, यहां 2 थीटा है भाई, ये ध्यान रखने का, दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 14, देखिए क्या क्वेश्चन इस बार, आइए कितना शानदार मस्त क्वेश्चन यहां भी है, क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे अच्छे करेक्शन लाए गए आपके लिए, इक्वेशन ऑफ, ये कैसा इक्वेशन है भाई, ये ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन है, ये एक सर्किल है ऐसे, ये एक लाइन है, आइए इससे जो सर्किल बना, ये सर्किल है एस प्लस के एल, जीरो एस जीरो एल जीरो, ये एस प्लस के एल, ये सर्किल हो गया अपने पास, ये सर्किल है, सही है, तो अपने पास देखो तो क्या करना, फाइंड द, यहाँ रिप्रेजेंट अ सर्किल, देन फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है, सबसे आसान, कुछ नहीं करने का, रेडियस में आप जानते हो रूट अंडर में क्या लिखते हो, ए बार माइनस बी, बी मीन्स कॉन्स्टेंट, अब ए बार क्या है, इस दोनों का कंजुगेट नंबर, चार, ये हो गया आपका 25, 25 माइनस में 5, ये हो गया 20, ये अपने पास हो गया रूट अंडर 20, रूट अंडर 20 कितना हुआ, 4 × 5 = 20, तो 2√5, ये आंसर हो गया, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइए क्वेश्चन 15 देखें,
क्वेश्चन 15 क्या बोलता है। चलिए ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये क्वेश्चन सपोर्ट करेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब दो सर्किल हमारे पास है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल अपने पास ये दो सर्किल है और दोनों क्या करता है भाई साहब, कट इच अदर ऑर्थोगोनली, दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करता है। क्या होता है कंडीशन ऑर्थोगोनली में, यहां मिला दो आप ऐसे, यहां से टच अंदर करेगा, यहां हम लोग करते हैं आर वन आर टू ओन ओ टू की बात करते हैं, आपको पता होगा। तो यहां से आर वन है, ये आर वन है दिस वन, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू ओन ओ टू का होल स्क्वायर, सही है। आर वन बताइए फर्स्ट का, फर्स्ट के लिए आर क्या हमारे पास है, फर्स्ट के लिए आर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी, सेकेंड की बात करेंगे वहां से सी स्क्वायर माइनस डी। अब इसकी बात करोगे यहां से सेंटर की बात करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार होता है, ये हो गया माइनस में ए और यहां से हो गया माइनस में सी, ये हो गया माइनस में सी, क्या करने का ए माइनस सी, ये हो गया आपका ए माइनस सी होल स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बच्चे, यहां से हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस डी, यहां से हो जाएगा ए माइनस सी और ए बार माइनस सी बार, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से ए माइनस में ए बार सी और माइनस ए सी बार, दिस वन ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहां से कैंसिल और माइनस भी कैंसिल, ये हो जाएगा ए बार सी ए सी बार इक्वल्स टू बी प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस डी। अब यही हो गया आपका रियल ऑफ ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ ए सी बार या ए बार सी, जो आपको लिखना चाहे, जो आप दोनों में लिखना चाहे लिख सकते हैं, ए सी बार दिस, ये हो गया बी प्लस डी, ये क्या हो गया रियल ऑफ ए सी बार, ये हो गया बी प्लस डी बाय टू, ये आंसर हो गया आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए क्वेश्चन 16 में आ जाइए, अब देखिए क्वेश्चन 16 में लगता है बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे कलेक्शन से यहाँ पे हैं, आइए 16 देखें, देखिए क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फर्स्ट में अगर ये सर्किल दिया हुआ हमारे पास है वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया। फिर से यहाँ कंडीशन लिखेंगे आर वन, आर वन स्क्वायर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट मतलब ए के लिए आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर ओ वन ओ टू होल स्क्वायर, आर वन अपने पास है थ्री वहाँ फोर है तो क्या हो गया थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड जीरो माइनस वन इसका होल स्क्वायर, तो जेड जीरो माइनस वन का मॉडल वैल्यू कितना हो गया, ये अपने पास हो गया फाइव। अब यहाँ से अपने को कंडीशन निकालना है, अब यहाँ से कंडीशन निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ जेड जीरो, तो जेड जीरो की बात करोगे तो जेड जीरो की बात करोगे तो ये पार्ट अपने पास हो गया जेड जीरो माइनस वन प्लस वन, दिस विल बी लेस देन जेड जीरो माइनस वन प्लस वन, अब जेड जीरो प्लस वन कितना है भाई फाइव है, तो ये अपने पास फाइव था, आंसर हो गया सिक्स। और फिर से इसकी बात करेंगे, ये हो गया जेड जीरो प्लस माइनस वन प्लस वन, दिस विल बी लेस देन दिस विल बी ग्रेटर देन जेड जीरो माइनस वन एंड माइनस वन, ऐसे तो फाइव माइनस वन हो गया, ये हो गया फोर, क्या कंडीशन आ गया, सो जेड जीरो इज बिगर देन फोर एंड लेस देन सिक्स, ये कंडीशन आ गया, सो आंसर हो गया फोर टू सिक्स, इसका रेंज हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका फोर टू सिक्स, राइट। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में टच इच अदर एक्सटर्नली, तो कैसे करोगे, आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ओ वन ओ टू, ये चाहिए आपका बी नंबर, आर वन क्या है भाई साहब, आर वन अपने पास सब में सेम क्वेश्चन यूज हो रहा है लगता है, थ्री या फोर ही यूज हो रहा है, तो यहाँ हो गया आपका कितना, थ्री या फोर हो गया सेवन, ये हो जाएगा जेड जीरो माइनस वन दिस वन, ये कंडीशन आ गया, फिर से जैसे कंडीशन यहाँ लिया था फाइव था तो सिक्स फोर हुआ था
तो z0 का वैल्यू यहां से z0 का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 8, ये कंडीशन आ गया। नेक्स्ट नंबर सी में आ जाइए, सी में अपने पास क्या है, फिर से सेम कंडीशन है, तो r1 - r2 1/2 की बात कर रहा है, ये हो गया आपका किसी एक जो बड़ा उसे छोटा ले लीजिए, है ना, जो बड़ा है उसे छोटा कर दीजिए आप, तो 4 - 3 = 1 हो गया, तो ये हो गया आपका z0 - 1 this = 1। फिर यहाँ कंडीशन क्या हो गया, इसका वैल्यू this > 0 इससे एक छोटा कम इससे एक ज्यादा, ये आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, को क्वेश्चन टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और रिविजन क्या हो रहा है कॉनिक सेक्शन का, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अब आई क्वेश्चन 17 देखिए क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन में अपने पास ये आ गया, देखिए क्या ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहां से लिखेंगे, यहां से क्वेश्चन लिखेंगे क्या, यहां से ये अपने पास है सर्किल, सॉरी ये अपने पास है एलिप्स, कैसा एलिप्स है देखिएगा, ये अपने पास एलिप्स कैसा है, एक अपने पास है 1 0, ठीक है, और एक हो गया दिस आपका माइनस, माइनस में एक वाई एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे 1 है, ठीक है ना, यहां हो गया 1 1 0, और दूसरा हो गया वाई एक्सिस पे है, यहां लिखोगे माइनस आई, नीचे आ जाइए, यहां जाइए 0 - 1। अब ये क्या हो गया, अपने पास ये बना, आपके पास दिस, ये बन गया आपका एलिप्स, तो ये एलिप्स बन गया, तो एलिप्स कैसे लोगे, अब आप एलिप्स कैसे लोगे, वहां अपने पास हो गया 4, तो ये ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, दिस वन, ये बना एलिप्स। अब जब देखो तो इसका ये है क्या, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इसकी बात करोगे तो अपने पास क्या हो गया, ये जो टोटल जो बीच का जो डिस्टेंस है ये अपने पास हो गया रूट टू ना, चेक करो देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया इस कंडीशन में, यहां से दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, फोकी का डिस्टेंस हो गया 1 1 √2, ये अपने पास हो गया √2, SS डैश ये अपने पास हो गया √2, राइट। और नेक्स्ट उसकी बात करेंगे वो क्या बोलता है, देखिए वहां से अपने पास आ गया दिस वन, अब यहां से लिखेंगे मोड ऑफ z - 1 और +1, ये सर्किल बना आपके पास, ये कैसा है, ये सर्किल है बच्चे, ये सर्किल है, तो सर्किल अपने पास है, तो यहां भी अपने पास आ गया, z बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लोगे, ये अपने पास हो गया z - 1 दिस वन, ऐसे निकाला, ये हो गया आपका दिस बाय 2 √7/2, सही है। अब देखिए तो 1 - i सही है क्या, -1 और -1 + i सही है, 1 - i यहां अपने पास लग रहा है, सेट कर रहा है, ये वैल्यू अपने पास, ये वैल्यू है दिस, इसका डिस्टेंस हमारे पास हो गया √7/2, इसका डिस्टेंस आ गया। अब यहां से निकालेंगे b का वैल्यू, यहां से अपन निकालेंगे SS डैश, तो 2 हो गया अपने पास बच्चे, b का वैल्यू निकालोगे तो यहां से देखो तो टोटल वैल्यू कितना है, चलिए टोटल वैल्यू की बात करें अपन, तो ट्वाइस ऑफ a अपने पास हो गया 4, चलिए इसके अलावा मान ले अपन ट्वाइस ऑफ a 4 हो गया बच्चे, a अपने पास हो गया 2, राइट, और b² अब यहां से सही है इसका, ये हो गया अपने पास a हो गया दिस, इसका सेंटर देखो क्या हो गया, इस सेंटर अपने पास ये सेंटर हो गया कितना, ये सेंटर हो गया आपके पास हाफ और -1/2। अब इसकी बात करोगे, अब यहां लिखा हमने a लिखा हमने, अब लिखेंगे 2ae, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना हो गया, ये हो गया अपने पास √2, सही है ना, ये हो गया अपने पास √2, और a अपने पास आ ही गया तो यहां से e आ जाएगा, तो अब एक काम करोगे, अब यहां से निकालना अपने को है b निकालना है, b हो गया दिस वा, ये लाइन हमारे पास जो है कहां गया सेंटर, ये सेंटर है, ये हमें b चाहिए, यहां से सर्किल का रेडियस हमारे पास मिल गया, सर्किल का रेडियस यहां पे है, अब जरा देखो b कितना आ रहा है,
यहां से मैं लिखता हूं क्या ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है। ये क्या हो गया भाई साहब, ये भाई साहब हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए अपने पास 4 है, बी स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर अपने पास हो गया, ए स्क्वायर हो गया 4, तो 4 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये अपने पास कटेगा, ए का वैल्यू हो गया 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1 हो गया 2, तो ये हो गया 7/8, 7/2 आ गया, बी अपने पास हो गया √7/2। अब एक चीज देखोगे, बी भी √7/2, इसका रेडियस भी हमारे पास 7/2, ये अपने पास रेडियस हो गया। इसका मतलब ये हर हाल में जो सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा जो टच करेगा यहाँ पे, दो पॉइंट पे टच करेगा। सो आंसर अपने पास हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब यहाँ क्वेश्चन आया ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ले लो आप इक्विलेटरल, ये ले लिया हमने ट्रायंगल, ऐसे ले लिया, अब यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर, अब ये तो बाइसेक्ट करेगा बिकॉज ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो यहां से ले लिया हमने ए, यहां ले लिया अपन बी, यहां ले लिया अपन ने सी, यहां ले लिया डी, तो ये अपने पास हो गया Z2, ये Z3, ये Z2 प्लस Z3 बाई 2, और ये हो गया आपका Z1। क्या चाहिए आपको, द वैल्यू ऑफ, आपको चाहिए क्या, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस चाहिए, Z2 Z3 में रिलेशन चाहिए। अच्छा, तो कोई टेंशन नहीं है, ये एंगल अपने पास 90 है बच्चा, दिस परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो मैं लिखता हूं क्या, AD परपेंडिकुलर BC, सही है ना। तो कैसे निकालोगे, अब फिर इसके साथ बात करोगे तो फिर अपन ऐसे बात करेंगे, ये निकाल रहा हूं मैं आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, ये हो गया आपका Z2 Z3 बाय 2 माइनस Z1 होल अपॉन दिस वन, इस लाइन का Z3 माइनस Z2, ठीक है, दिस इक्वल टू पावर 2, ये अपने पास हो गया पावर 2, सही है। चेक करो, चेक करेंगे तो देखो क्या आ गया, ये अपने पास आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3 माइनस 2Z1 बाई, इसकी बात करोगे ट्वाइस ऑफ Z3 माइनस Z2 दिस वन, और ये अपने पास हो गया पाई बाई 2। अब इसकी बात करोगे, कांस्टेंट हट जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट आप जानते हो, कांस्टेंट में हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z2 Z3 माइनस 2Z1 बाई Z3 माइनस Z2 और माइनस में आर्गुमेंट ऑफ 2, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ 2 जो कि 0 होता है, एंड दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये ऑप्शन हो गया पाई बाय 2, राइट। ये आपके क्वेश्चंस थे, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखें, शायद एक क्वेश्चन और आपके पास है, एक क्वेश्चन देखिए, सबसे मस्त क्वेश्चन आपका ये बचा रह गया, ये मस्त क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन इस बार IIT एडवांस में आने चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत शानदार क्वेश्चन ये दिया हुआ आपके पास है, यहां से ठीक करोगे तो Z बार बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया क्या बच जाएगा भाई साहब, बचेगा Z² और प्लस में Z², ये हो गया 350। अब इसको ठीक करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास X² प्लस Y², यहां से X plus Y होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा X² माइनस Y², दिस इज 350। अब इसको काट कट करोगे ये हो जाएगा 175। अब आपको ठीक करना है X² प्लस Y² और ये हो जाएगा X² माइनस Y², ये 175 है। इसको दो फैक्टर ऐसा बनाना है कि दो का एडिशन और प्रोडक्ट हमारा सेट हो जाए, तब यहां से कंडीशन लिखते हैं, एक लिखते हैं 1175 जो नहीं बनेगा, जो गलत हो जाएगा, सेकंड लिखते हैं 7 × 25 25×17 से, ठीक है ना, ये देखते हैं शायद बन जाएगा, और एक और आएगा 35 × कितना, तो दो कितना 35 × 5 25 × 5 15 16 17 दिस वन, तो ये देखोगे अप्लीकेबल हो जाएगा, क्यों अप्लीकेबल हो जाएगा,
16 + 9 25 होता है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 25 + 9 कितना होता है 25 और -9 16, सही है ना। तो यहां से देखो तो 2 का स्क्वायर है, अब 2 का डिफरेंस है तो सही दिख रहा है, यहां से लिख रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये अपने पास हो गया 25 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये हो गया 7। इसको ठीक करोगे ये हो जाएगा x स्क्वायर अपने पास हो गया 32 है तो ये हो गया 16 और y स्क्वायर अपने पास हो गया कितना, y स्क्वायर अपने पास हो गया यहाँ से 25 में 18 9 हो गया। अब जब चेक कर लो दोनों का सम हो गया 25, दोनों का डिफरेंस हो गया 7, तो सेट कर गया। इसके अलावा बाकी सब ये सेट नहीं कर पाता। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। अब पूछा जा रहा है कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल अपने पास है प्लस माइनस 4 यहाँ पे है, वाई भी है प्लस माइनस 3 है, तो 4 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, क्योंकि अपने पास जो सेट बनेगा एक्स का ये 4 बनेगा माइनस 4 बनेगा, जब ये 4 बनेगा उस कंडीशन में वाई 3 होगा या माइनस 3 होगा, जब ये माइनस 4 होगा तो ये 3 होगा या माइनस 3 होगा। दो सेट यहाँ से, दो सेट यहाँ से, 4 नंबर्स बनेंगे आपके पास, 4 सेट्स पॉसिबल हैं। सो देर आर 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो दिस इज ऑल माय डियर, कभी भी किसी टॉपिक का अंत तो होता नहीं है, और क्रैश कोर्स में या आपका इस लास्ट जो टाइम आपके पास बचा है तो अपनी कोशिश है जितने डिफरेंट डिफरेंट के वैरायटी के अच्छे क्वेश्चन हो सकते सारे क्वेश्चन को देने का प्रयास किया गया। और ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि बहुत आसानी से बन गया तो ये तभी बनेगा जब ऐसे क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस होगी। अगर ये फर्स्ट टाइम देखोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएंगे तो आपको नहीं बनने का है। सीन क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से क्लिक करेगा, और पहले से देखा हुआ नहीं है तो कभी दूर दूर तक सोचने का भी नहीं, आपको सपना भी नहीं आएगा कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे और सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, फिर ये कैसे करेंगे। तो अपने पास फिर ये फैक्टर बनेगा, फिर फैक्टर को सेट करना, तो ये तभी बनेगा जब आपके ऐसे क्वेश्चन के प्रयास आपके पहले से होंगे। तो फिर भी बार बार मैं यही कहूँगा, रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा है अभ्यास। सो थैंक यू माई डियर। एक आप हमने कहा था, वादा किया था 5 का 5 में कि 5 days 5 questions गारंटेड, 5 lectures में आपका कॉम्प्लेक्स समय में जो भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के बाद मुझे कमेंट करेंगे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको हर हाल में क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मिलता जुलता एडवांस में आना ही आना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, ऑल द बेस्ट।